नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज जा रहा हूं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। अर्जेंट कोई काम आ गया था। आ गया आप वीडियो देखते रहिए, आपको भी पता लग जाएगा मैं क्यों रुद्रप्रयाग जा रहा हूं। और इस समय हूं मैं ठीक हरिद्वार, जहां से जाती है नजीमाबाद के लिए रोड। और ये देखिए हाईवे पुल पे क्या कलरफुल लाइटें लगाई गई हैं, जो कि इस रास्ते को एक यूनिक लुक दे रहा है। और वॉल पे देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी और उन पे पड़ती हुई रोशनी बहुत ही शानदार। माँ गंगा पर पड़ता हुआ रोशनी का प्रतिबिंब पूरी छटा बिखेर रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं कहाँ, चौरास श्रीनगर के एकदम करीब। और यहाँ का व्यू हो रखा है एकदम नीचे बैरियर नदी सामने पौने छः पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। पूरी रात का सफ़र हमने किया है और 6:30 तक हम जो है श्रीनगर पहुँच चुके होंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब और इधर हैं भोपाल भाई, जिनकी हमारी गाड़ी है ये साथ में। और ये रही हमारी गाड़ी जिससे हम आए हैं। और ये है सौरभ मेरा बेटा, और ये हैं जिनकी बदौलत हम आज यहाँ घूम रहे हैं। मेन किरदार यही है ये। और सुबह सुबह का ये मौसम और हल्की सी सुबह होती हुई, और देखिए कितनी शानदार पहाड़ियाँ जिनमें हरियाली छाई हुई है। सावन का महीना है दोस्तों, और हल्की हल्की ठंड, बहुत ही प्यारा दृश्य, बहुत ही प्यारा एकदम यूनिक दृश्य। फर्स्ट बार है तो क्या लग रहा है, मतलब क्या अलग क्या लग रहा है आपको यहाँ? मेरे लिए तो बहुत है, बढ़िया है। अच्छा, ये पहाड़ फर्स्ट बार देखे हैं आपने? हाँ, तो फर्स्ट टाइम। इधर कहाँ आए थे? हैं? इधर नहीं आए। अच्छा, तो सभी लोग जो है फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं बंगाल से। डॉक्टर साहब बंगाल से हैं हमारे साथ, तो वो भी पहली बार ऐसे पहाड़ आपने पहली बार फर्स्ट टाइम अनुभव किया है? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किया है, और भोपाल भाई ने भी फर्स्ट टाइम अनुभव कर रहे हैं, विजय भी तो है? अच्छा गए हैं। अच्छा ये गए हैं क्योंकि इनका गाड़ी का ही ज्यादा रूट होता है, तो हर एक जगह घूमने को मिलता है। हमारा भी ऐसे ही है। आपका भी ऐसे ही है? अच्छा, अभी जहाँ शहर है तो वहाँ नहीं है, वहाँ तो प्लेन जैसे जीरकपुर चंडीगढ़ में ही है। डॉक्टर साहब बोलिए। कोई नई बात, कोई नई चीज आपको कैसा नहीं, आप हमें बताएंगे, हम पहली बार आ रहे हैं तो आप हमें बताइए। तो हमें तो यही लग रहा है कि हम तो देख रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है क्लीन पहाड़ों पे चल रहे हैं, मजा आ रहा है, ठंडी हवा ले रहे हैं। ये मेन तो यही है, पहाड़ों पे चल के ऐसे लग रहा है ना, जैसे हम लोग वहाँ पे लालू पंजाब में जो जनवरी का जो मजा लेते हैं, वो मजा अभी ले रहे हैं अगस्त में। मौसम का भी बहुत फर्क है यहाँ। एक्चुअल में हर टाइम ऐसा ही मौसम होता है, आप मई में भी आ जाओगे ना तो आपको यही मौसम देखने को मिलेगा, मई जून में भी। अभी हम मई में थे, यहीं घूम रहे, इतनी बारिश, इतना ठंडा, हर टाइम रजाई लेनी पड़ेगी आपको रात को। यहाँ सीजन है, बरसात के सीजन में मत आइए। हाँ, उस टाइम ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भोलेनाथ। और थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकले श्रीनगर की ओर। गंगा नदी है अलकनंदा। ऐसा है कि उत्तराखंड आओ तो मतलब हरियाली देख के ही आदमी आनंदित हो जाता है पूरा। अभी नहीं, नवंबर में, नवंबर में बर्फ पड़ता है। नवंबर दिसंबर में पड़ जाएगा। पिछले
बर्फ नहीं पड़ती, पड़ती है, बढ़ जाती है बॉडी में तो बहुत। हमारे गांव में कई जगह पड़ती है और गल जाती है तुरंत, ठहरती नहीं है। पाला पड़ता है, पाला तो सही है। ये देखिए अब श्रीनगर एकदम करीब है हमारे, और इसके इस साइड तो है पौड़ी गढ़वाल और इस साइड है टिहरी गढ़वाल, दो डिस्ट्रिक्टों का डिवाइडर है। जिस तरफ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ व्यू, ये टिहरी गढ़वाल है और ये सामने देखिए बोर्ड लग रहा है श्रीनगर। तो हम पहुँचने वाले हैं श्रीनगर बाबा जी। ये देखिए टिहरी गढ़वाल के कुछ गांव कीर्ति नगर के पास के, और सुबह का टाइम है, धूप मंदम मंदम निकलती हुई। वैसे तो मुझे मौसम जो है बारिश का ही सबसे अच्छा लगता है, एवरेस्ट पे है। और सामने देखिए कितना शानदार व्यू है। वक्त है और ट्रैफिक ना के बराबर है दोस्तों, यहाँ पे दिन में तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। यहाँ पे हमने छोड़ दिया सौरभ को और हम जाएंगे आगे रुद्रप्रयाग। उपाय कर दे फिलहाल, ठीक है, ओके, थैंक यू, आराम से जाएंगे। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री कहीं भी आते हैं तो सबसे पहला पड़ाव आपको श्रीनगर ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको होटल की सुविधा वगैरह, गेस्ट हाउस, हर एक टाइप का लॉज वगैरह यहाँ पे मिल सकते हैं और आराम से मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी मार्केट है श्रीनगर की, और अगर आप दूर से आते हैं तो आपको यहाँ से हरिद्वार तक की बस मिल जाएगी या टैक्सी वगैरह कुछ भी, हरिद्वार और ऋषिकेश या देहरादून। अगर आप दूर से आते हैं तो आगे आपको देहरादून से यहाँ के लिए बस करनी पड़ेगी, ये यहाँ से देहरादून वो गाड़ी पहुँचाएगी हरिद्वार, और हरिद्वार से आप अपने स्टॉपेज के लिए अलग से गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा लॉन्ग रूट की बसें मिलनी पॉसिबल नहीं है। ऐसी लग रहा है दोस्तों बादल किस तरह से ऊपर जा रहा है, बादल है क्या है पता नहीं, इतनी तेज चल रहा है। वो नदी के एकदम बीच में धारी देवी मंदिर दोस्तों, करीब से गुजरते हुए हम और इसके समीप बसा हुआ छोटा सा प्यारा सा गांव, चारों तरफ गांव के हैं।